हे गाइस, वेलकम वंस अगेन। और आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं, हाउ टू स्टडी एडवांस मैनेजमेंट अकाउंटिंग, AMA। ठीक है, बहुत सारे लोगों की मेरे पास ये रिक्वेस्ट आई थी कि आपने जो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के ऊपर एक हाउ टू स्टडी का वीडियो बनाया था, वी आर गेटिंग बेनिफिटेड आउट ऑफ इट। तो एक एडवांस्ड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के ऊपर भी एक सेम वीडियो बना दीजिए। तो आई हैव ट्राइड टू सॉल्व योर क्वेरी, और अभी बहुत सारा टाइम है आप लोगों के पास, 2 महीने हैं अभी आपके पास। तो आप अच्छे से पढ़िए और बहुत मेहनत करिए, और कुछ अच्छा हो लाइफ में तो मुझे ज़रूर बताइएगा। तो स्टार्ट करते हैं। दिस इज़ समथिंग अबाउट मी। आई एम अ CA बाय प्रैक्टिस एंड ट्रेनिंग, एजुकेटर बाय पैशन, एंड आई लव टू सिंग, राइट नैरेटिव्स एंड डिवोशनल सॉन्ग्स। यू कैन फॉलो मी ऑन ऑल दी सोशल नेटवर्क्स, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर आशीष SCH, दिस इज़ माई यूज़र ID। ठीक है, तो आप किसी भी सोशल नेटवर्क पर मुझे फॉलो कर सकते हैं इस यूज़र ID से। एंड माई नेम इज़ आशीष सचदेव, एज यू ऑल नो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, बिफोर स्टार्टिंग आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज़ शेयर दिस वर्ड ऑफ नॉलेज, बिकॉज इट इज़ नॉट ईजी टू मेक सच ऑसम कोर्सेज फॉर यू पीपल। एंड ओके, तो प्लीज़ इसको शेयर कर देना ताकि ऑल अदर पीपल कैन ऑल्सो गेट बेनिफिटेड आउट ऑफ इट। राइट नाउ, सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है कि कौन सी बुक रेफ़र करें। तो देखिए, कोई मैं टीचर का नाम लूँगा, फिर आप बोलोगे ये टीचर अच्छा है, वो टीचर अच्छा है, इसकी ले लें क्या, उसकी ले लें क्या। देखो, ऐसा कुछ होता नहीं है। कोई टीचर की बुक कॉस्टिंग के लिए, मतलब AMA के लिए जो बुक है, AMA में कॉस्टिंग बोल दूंगा, ठीक है, तो दिल पे मत ले लेना कि कॉस्टिंग तो IPCC में होता है, अभी तो AMA होता है। ठीक है, तो AMA कॉस्टिंग में इंटरचेंजेबली इस वीडियो में यूज़ करूँगा, सब्जेक्ट अलग अलग है, वो आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। ओके, तो कॉस्टिंग के लिए PM और SM जो है वो सफिशियंट है। इंस्टीट्यूट का मटेरियल बहुत ही प्यारे तरीके से डिज़ाइन किया हुआ है, तो मेरे को नहीं लगता कोई और बुक आपको रेफ़र करने की ज़रूरत होनी चाहिए। अब आप कमेंट्स बॉक्स में ये मत पूछना चालू कर देना, पादुका ले लें क्या, या हमने इन सर से ली थी तो इनका मैट ले लें क्या, वो सब अपनी जगह है। देखो, ठीक है, इंस्टीट्यूट का मटेरियल फॉर कॉस्टिंग इज़ दी बेस्ट। ओके, तो अब मैं तो ये रिकमेंड कर रहा हूँ, अब आपको जो भी बुक आपको बाकी अच्छी लगती है वो कर लेना आप, ठीक है, क्योंकि बाकी सारी बुक्स में भी मोर और लेस सेम ही क्वेश्चंस होते हैं, क्योंकि PM के अंदर आपके पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस होते हैं, SM के अंदर आपके कुछ नए क्वेश्चंस होते हैं, और कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो कि कंसेप्ट को समझने के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। राइट, तो मेरे हिसाब से ये दोनों बुक सफिशियंट है। अगर आपको फिर भी लगता है पादुका ले लें, ये ले लें, वो ले लें, तो आपकी मर्जी है, फिर आई विल नॉट आस्क यू एनीथिंग और से यू एनीथिंग। ओके, नाउ दूसरा क्वेश्चन जो आता है कि बुक तो चलो जो भी आपने फॉलो कर ली ठीक है, हमको सारे क्वेश्चंस लिख लिख के सॉल्व करने हैं क्या। तो देखो, अगर आपने पहले बहुत अच्छे से कोचिंग वगैरह करी हुई है, बहुत अच्छे से पढ़ाई करी हुई है, आपको कंसेप्ट सारे क्लियर हैं, तो आपको सारे क्वेश्चंस लिख लिख करके प्रैक्टिस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे हिसाब से आप चैप्टर उठाइए, उसके कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करिए। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको पता ही होंगे, अगर आपने अच्छे से रिवीजन कर रखा है तो आपको पता होंगे कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं, और उन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को आप एक बार हाथ से निकाल लीजिए, मतलब उनकी प्रैक्टिस कर लीजिए। ओके, और अगर आपकी प्रैक्टिस इतनी अच्छी नहीं है कि आपको दिक्कत होती है क्वेश्चंस के अंदर, तो मैं आपको कहूँगा कि एक बार आप सारे तो नहीं, लेकिन हाँ कुछ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बड़े क्वेश्चंस होते हैं, जो रिपीटेड टाइम्स एग्जाम्स के अंदर आए हुए हैं, तो वो आप कर सकते हैं। अब आप इसका कैसे पता लगाएंगे कि ये एग्जाम में क्वेश्चन ज़्यादा बार आया हुआ है, तो इसके लिए स्कैनर आप यूज़ कर सकते हैं। स्कैनर के अंदर सारी इन्फॉर्मेशन होती है, ट्रेंड एनालिसिस वगैरह सब कुछ दिया होता है, तो स्कैनर का आप यूज़ कर सकते हैं। नए क्वेश्चंस अगर आपको फॉलो करने हैं, नए क्वेश्चंस अगर आपको करने हैं, तो पिछले 6-7 अटेम्प्ट की RTP उठा करके देख लेना, उसमें कम से कम आपको बहुत नाना करते हुए एक RT, मतलब अगर आप 6 RTP देखोगे तो 120 क्वेश्चन हो गए। उन 120 में से लगभग 20 क्वेश्चन आपको नए मिल जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। नए इन द सेंस कि वो क्वेश्चंस नए होंगे, मतलब वो PM में नहीं होंगे, पास्ट एग्जाम में नहीं आए होंगे, कुछ आ गए होंगे एग्जाम में बाद में, पर कुछ उसमें नए क्वेश्चंस आपको ज़रूर मिल जाएंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स का होता है कि थ्योरी पढ़ें या छोड़ के चले जाएँ, तो आपको बता दूँ कि छोड़ के कुछ भी नहीं जाना, पढ़ना सब कुछ है, ठीक है, लेकिन पढ़ने के लिए आपको थोड़ा सा कैलकुलेटेड रिस्क लेना पड़ेगा, ठीक है। तो थ्योरी छोड़नी नहीं है, और कैसे पढ़ना है मैं आपको अभी वीडियो के फर्दर पार्ट में बता दूंगा। ओके, अब सबसे पहले बात करते हैं सिलेबस की। जो हमारा कॉस्टिंग का सिलेबस है AMA का, वो 16 चैप्टर्स के अंदर डिवाइडेड है, ठीक है, तो ये सारे चैप्टर्स हैं, आपको सबके नाम पता होंगे, ठीक है।
नहीं पता तो मैंने लिख दिया वापस से, मैं अब एक एक का नाम पढ़ना यहाँ पे स्टार्ट नहीं करूँगा, ठीक है। तो ये 16 चैप्टर्स हैं आपके, तो अब इनको पढ़ना कैसे है, लेट्स सी। सबसे पहले हम इन सारे के सारे चैप्टर्स को चार पार्ट्स और थ्योरी के अंदर डिवाइड कर देंगे। फोर पार्ट्स हो गए अपने प्रैक्टिकल चीज़ों के, और एक अपना पार्ट हो गया थ्योरी का, तो पांच पार्ट्स हो गए बेसिकली देखा जाए तो। फर्स्ट पार्ट के अंदर चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 आएंगे, जिसके अंदर बेसिकली डिसीजन मेकिंग कवर्ड है। अब आप देख सकते हो चैप्टर 1, 2, 3 कौन से हैं, ठीक है, उसके अंदर डिसीजन मेकिंग बेसिकली कवर्ड है। सेकेंड पार्ट जो है उसके अंदर अपना चैप्टर 5 स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का आ जाएगा, ठीक है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग चैप्टर 5, दिस इज़ द सेकेंड पार्ट, ठीक है, ये बड़ा पार्ट है, इसको मैंने सेकेंड पार्ट अलग से रखा है। उसके बाद जो थर्ड पार्ट है उसके अंदर अपने चैप्टर नंबर 10 से लेकर चैप्टर नंबर 16, दैट इज़ द क्यूटी पोर्शन, वो कवर हो जाएगा। ओके, तो आप देख सकते हो 10 से लेकर 16 तक क्यूटी पोर्शन कवर हो जाएगा। और जो फोर्थ पार्ट है उसके अंदर बचे हुए चैप्टर, जिसके अंदर ट्रांसफर प्राइसिंग आ गया, सर्विस सेक्टर कॉस्टिंग आ गया, बजटरी कंट्रोल आ गया, ये सारे बाकी के जो छोटे छोटे चैप्टर्स हैं ये सारे अलग से कवर हो जाएंगे। ओके, अब आपको इन पार्ट्स में अपनी स्टडी को डिवाइड करके चलना है, इन पार्ट्स के हिसाब से आपको स्टडी करनी है। फॉर एग्जाम्पल डिसीजन मेकिंग, इस चैप्टर के अंदर आपको क्वेश्चंस की जो लेंथ है वो बहुत लंबे मिलेंगे, बट दे आर कंपैरेटिवली इजी अगर आप उनके कंसेप्ट को समझ जाते हो, क्योंकि इसके अंदर लैंग्वेज के ऊपर बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं क्वेश्चन के ऊपर कि आप उसको आगे जाकर कैसे सॉल्व करोगे। तो फर्स्ट पार्ट के अंदर मेजर जो थिंग है वो है आपका लैंग्वेज पार्ट इंपॉर्टेंट, और क्वेश्चन की रीडिंग बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए आपकी। अगर आपने क्वेश्चन को ढंग से पढ़ के इंटरप्रेट अच्छे से कर लिया और आपको कंसेप्ट मालूम है, तो आपका आंसर जो है वो 90% 99% सही होने के चांसेस होते हैं। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को अलग से इसलिए रखा है क्योंकि ये बड़ा पार्ट है, बहुत बड़ा पार्ट है। इसके अंदर कुछ नए नए पोर्शन भी इस बार ऐड हुए हैं, मतलब इस बार का मतलब फाइनल के अंदर, जब हम आईपीसीसी में भी ये टॉपिक पढ़ते थे, तो आईपीसीसी में जब ये टॉपिक पढ़ते थे तो उस टाइम पे कॉस्टिंग के अंदर इतने स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के अंदर बहुत छोटा सा पार्ट था और वो एकदम सिंपल सा पार्ट था, लेकिन इसके अंदर नए टॉपिक्स भी इंक्लूड कर लिए। तो इसको आप स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के अंदर भी आप दो डिवीजन कर सकते हो, कि एक पार्ट जो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है और एक पार्ट जिसके अंदर नए पोर्शंस हमारे कवर हो गए, ठीक है। तो लास्ट में जो चैप्टर के अगर लास्ट में आप जाओगे तो आपको मिल जाएंगे वहाँ पे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के नए वाले जो क्वेश्चंस हैं वो आपको दिख जाएंगे वहाँ पे, और उनके जो पोर्शंस हैं वो आपको समझ में आ जाएगा कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग जो हमने पहले पढ़ी हुई है वो तो केवल हमारे को वेरियंस निकालने वाला होता था, और बाद में इस बार कुछ कुछ नए पार्ट जैसे पार्शियल प्लान, वो वाले जो अकाउंटिंग वाले पोर्शन हैं और उसके बाद में जो क्वेश्चंस आते हैं, तो वो वाले जो क्वेश्चंस हैं वो नए पोर्शंस हैं और वो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के फाइनल के अंदर स्पेसिफिकली कवर्ड हैं, तो वो आपको अलग से प्रिपेयर करने हैं। तो ये बड़ा चैप्टर होता है इसलिए मैंने बिल्कुल ही अलग पार्ट से रख दिया है, ताकि इसमें आपको बिल्कुल भी कन्फ्यूजन ना हो। बच्चे पूछते हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग छोड़ दें, प्लीज़ मत छोड़ना प्लीज़। ओके, उसके बाद क्यूटी पोर्शन, ये सबका फेवरेट होता है, छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं मैथ्स की तरह, और इसमें बहुत स्कोरिंग होता है। इसमें एक चैप्टर दिक्कत करता है, वो है लीनियर प्रोग्रामिंग। अगर इसमें आपको दिक्कत हो तो इसकी वापस से आप क्लास देख लीजिएगा, या अपने जो क्वेश्चंस हैं वो ढंग से प्रिपेयर कर लीजिएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा चैप्टर थोड़ा मतलब इसके अंदर डाइसी होता है, इसमें दिक्कत हो जाती है बच्चों को कहीं पे। बाकी सारे पोर्शन इसके बहुत ईजी हैं, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम हो गया, असाइनमेंट हो गया, सिम्युलेशन हो गया, बहुत सिंपल है, आप सबको सब आता है, ठीक है। उसके बाद जो फोर्थ पार्ट है जिसके अंदर ट्रांसफर प्राइसिंग, अब ट्रांसफर प्राइसिंग के अंदर कुछ एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ क्वेश्चंस ही हैं, जैसे 14 या 15 टाइप के क्वेश्चन ही बनते हैं, उसके बाहर अगर कोई क्वेश्चन बनेगा तो कंसेप्ट के थ्रू आप डेवलप कर सकते हो उनको, ठीक है। तो वो कंसेप्ट आप स्ट्रांगली अच्छे से प्रिपेयर करो और यू विल बी थ्रू। फिर सर्विस सेक्टर कॉस्टिंग, बहुत सिंपल टॉपिक है, इसके अंदर मैं आपको क्या बताऊँ, मतलब आप खुद ही कर लोगे, आपका फेवरेट होगा ये, हर बार आप सबसे पहले यही उठा के बैठ जाते होगे। ज़्यादा टाइम मत देना इन चैप्टर्स के अंदर, बजटरी हो गया, छोटे छोटे चैप्टर हैं यार, मतलब इसमें क्वेश्चंस नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा हैं, लेकिन ज़्यादा टाइम मत देना इन चैप्टर्स के अंदर, ठीक है। मेन फोकस आप करना, क्योंकि क्यूटी जल्दी हो जाता है और बहुत अच्छा स्कोरिंग है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को छोड़ना मत यार, इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है क्योंकि लंबा चैप्टर है, ठीक है। बाकी डिसीजन मेकिंग वाले के अंदर मैंने आपको बता दिया, अपने कंसेप्ट्स बिल्डिंग अगर आपने स्ट्रांगली कर ली है तो आपको इस चैप्टर के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अब हम बात करते हैं थ्योरी कैसे पढ़नी है। थ्योरी के लिए मैं आपको बता दूं, जो अपनी प्रैक्टिस मैनुअल के अंदर जितनी थ्योरी दी हुई है दैट इज़ बहुत सारी है, वो दैट इज़ सफिशियंट। आपको उसमें क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्म से ही पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और जनरल कंसेप्ट जो होते हैं वो आपको चैप्टर के साथ साथ ही पढ़ने हैं,
बाकी कुछ टॉपिक्स ऐसे होंगे जो आपको स्पेसिफिकली रीड करने पड़ेंगे प्रैक्टिस मैनुअल में से, जिनके क्वेश्चंस दिए होंगे, तो वो आप अलग से कवर कर लीजिएगा। तो उन के लिए आपको जो प्रैक्टिस मैनुअल के आगे क्वेश्चन आंसर जो दिए होते हैं थ्योरी पार्ट के, दैट यू हैव टू प्रिपेयर। ओके, अब थ्योरी छोड़ना मत, टेक कैलकुलेटिव रिस्क। ठीक है, सारी थ्योरी आपको रट के चाट के नहीं जानी, आपको थोड़ा दिमाग लगा करके कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है थ्योरी की। होप आई एम क्लियर। और आप इस प्लान को अगर फॉलो करेंगे तो मैं पूरी आपको गारंटी दे सकता हूँ कि अगर आपने ऐसे डिवाइड करके और इस प्लानिंग के साथ अपनी कॉस्टिंग की प्रिपरेशन करी, एएमए की प्रिपरेशन करी, यू कैन गेट वेरी गुड मार्क्स। बिकॉज इससे क्या होगा, आपका सब्जेक्ट पूरा कवर हो जाएगा एक तो, और दूसरी बात यह है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी सब्जेक्ट की। तो पास होना तो देखो बहुत सिंपल हो जाएगा, और अच्छे मार्क्स आपके आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत बढ़ जाएगी। अच्छे मार्क्स से मेरा मतलब है बियॉन्ड 60। अगर आपने इस फ्लो के अंदर स्टडी को अपने डिवाइड करके एएमए की करा, तो आपकी पढ़ाई इफेक्टिव होगी, अंडरस्टैंडिंग अच्छी डेवलप होगी, और एग्जाम में मार्क्स आने की, अच्छे मार्क्स आने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। पास तो आप जरूर हो जाएंगे। ठीक है, सो होप इट वॉज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। प्लीज डोंट हिट अप्रिशिएट, हिट लाइक बटन और कमेंट कर दीजिएगा, और मेरे साथ आप कनेक्ट हो सकते हैं। मेरा यूजर आईडी है आशीष SCH, और प्लीज इन वीडियोज़ को शेयर कर दीजिए, शेयर इफ यू केयर। थैंक यू, सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो।